जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक के उपयोग पर जोर देने के साथ रासायनिक खाद के कम से कम प्रयोग के लिए शुक्रवार को लखनऊ से अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला मुख्यालयों पर जुड़कर जैविक खेती अपनाने के संदर्भ में चर्चा की। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित NIC भवन में उप कृषि निदेशक संजय सिंह, कृषि वैज्ञानिकों के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मैं और चीजें जुड़ गई, लहसुन घिरा गया, मिर्च घिरा गया, गौमूत्र इसमें हरी है, बेहया की पत्ती है, इसको फिर आप बना के इससे 2-3 लीटर आपको 100 लीटर पानी में डालू करके एक अगर किया प्रयोग करेंगे तो ये भी आपकी कीटे कीट बीमारियों से आपको बचाएगा। फसल पौधे को फसल में प्रयोग करेंगे तो उसकी बर्बाद नहीं फायदा करेगा और कीट बीमारियों से बचाएगा। नेक्स्ट एक चीज और देखिए, ये चीजें लागू है तो ये प्राकृतिक चीजों से बनी हुई लेकिन बनती है, इस पर हम किसान भाइयों को अनुदान भी देते। ये तुलना हमने की है रासायनिक खेती से, अगर जैविक खेती की आप तुलना, जो पर्यावरण का संतुलन है, जो जल में ग्राउंड वाटर भी हमारा प्रदूषित हो रहा है उसको हम बचा सकते हैं, सरफेस वाटर खेत तालाब तालाबों का पानी जो है वो भी प्रदूषित हो रहा है, इन इनटेंजिबल अप्रत्यक्ष लाभों को जोड़े तो कई गुना लाभ का डीजे सर्टिफिकेशन है, थर्ड पार्टी से आप एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, जबकि टीजीएस इंडिया के प्रोडक्ट को आप देश के ही अंदर बेच पाएंगे, तो जो थर्ड पार्टी का सिस्टम है वो वाणिज्य मंत्रालय से गवर्न होता है और पीजीएस का सिस्टम कृषि मंत्रालय से गवर्न होता है और उसके नीचे फिर यहाँ एनपीडा आती है, यहाँ पे NCOF नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाता है पीजीएस में, और फिर इसके लिए अलग एजेंसी है थर्ड पार्टी के लिए। पीजीएस कैसे हम करते हैं ये हमें एक बताने की कोशिश की है आपको, किसानों को सबसे पहले इसमें जुड़ने के लिए अपना शपथ पत्र देना होता है, उसमें ये लेवल आपको मिलेगा पीजीएस भी और तीसरे साल पीजीएस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट आपको जनरेट हो जाएगा और उसके साथ भारत सरकार ने जो जैविक भारत का भी लोगो दे दिया है जो उसके साथ आपको मिलेगा। क्योंकि आपकी स्थिति को पहली फसल से ही अच्छी आएगी हम उसको बताना चाहेंगे नेक्स्ट करें। देखिए एक प्रश्न उन्नाव से किसान है सर, उन्नाव से किसान मुकेश भाई, अभी अभी आपको नहीं है बैठ जाओ, आपको अभी नहीं बोलना उससे, मुकेश अपना प्रेजेंटेशन जारी रखते हैं। हाँ देखिए मैं आपके सामने एक ऐसी प्रश्न भी करता हूँ, हमारे पूरे प्रदेश में अगर आप देखें आंकड़े तो हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर जैसे जितने हमारे तत्व हैं आज की तारीख में कम हो गए हैं, हम केमिकल नहीं डालते हैं और ये सब बंद कर देंगे जो होंगे यूरिया, DAP, MOP, जिंक सल्फर जब नहीं डालेंगे और कुछ भी नहीं इसमें हम और डालेंगे तो हमारा नेचुरली हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, % उत्पादन कम होना ही होना होगा आगे चल। तो हम कैसे नतीजे की कमी कैसे पूरी करें, एक छोटी जगह पर सारी चीजें अगर हम किसान भाई अगर अपना लेंगे, एक तो हरी खाद जरूर लोग किसान करें, हमारी स्कीम से 1250 रुपए प्रति हेक्टेयर इस पर अनुदान दिया जा रहा है सारे किसानों को, तो बता दूं एक बार हरी खाद अगर आप कर रहे हैं जायज में तो कम से कम 80 किलो नाइट्रोजन आपको आप आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरी बात आपके गांव गांव में जगह जगह आपके कूड़ा करकट पड़े हैं, योजना से आपको वेस्ट डिकम्पोजर किया जा रहा है, इसमें 750 रुपए अनुदान भी है, शेष है उनको वापस खेत में भेजना है, अगर आप ये ले जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका नाइट्रोजन की बहुत सारी कमी पूरी होगी। जननी फसल ले रहे राजीव कल्चर से आप उसको उपचार कर दीजिए तो हमें नाइट्रोजन मिलेगी, नीलरी शैवाल है, एजोला है, एजोटोवेटर है, एजो स्पाइरल है, इन सब में 1250 रुपए पर हेक्टेयर का अनुदान भेज दिया गया है।